नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि MP नर्सिंग काउंसिल के तरफ से जो एक नोटिस जारी हुआ था कि एडमिशन जो है 22-23 में या फिर 23-24 में जो आप लोग को करवाना है, जो भी स्टूडेंट करवाना चाह रहे हैं MP नर्सिंग काउंसिल में, तो काउंसिल के तरफ से जो है उन्हें मना किया गया है कि किसी प्रकार का एडमिशन किसी भी कॉलेज के झांसे में आकर के नहीं करवाएं। ठीक है, ये तो MP नर्सिंग काउंसिल की तरफ से बाकायदा लेटर जारी किया गया है। उसी कड़ी में आज जो है जबलपुर यूनिवर्सिटी जो है, जो BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग या पैरामेडिकल के जितने कोर्स हैं, उसके लिए भी एक बैठक हुआ था जबलपुर यूनिवर्सिटी का, जिसमें ये कहा गया है कि 23-24 सत्र जो है 0 सत्र किया जाएगा, 0 सत्र किया जाएगा। ठीक है, तो वो सत्र क्या होता है, 0 सत्र क्या होता है और 0 सत्र करने के पीछे का क्या कारण है, सत्र को 0 क्यों किया जाता है, क्यों किया गया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, और ये क्या होता है, क्यों किया जाता है 0, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे कि ये 0 सत्र करने के बाद जो वहाँ के जो छात्र संगठन है वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, और उस विरोध में जो है उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है। जब प्रधानमंत्री जी भोपाल के दौरे पर थे कल परसों, और उस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके जो नर्सिंग घोटाला हुआ है MP में, जिस प्रकार के जो खबरें आप देख रहे हैं कि CBI जो लगी हुई है MP में नर्सिंग कॉलेज के ऊपर, उस पर जल्दी से जल्दी कुछ निराकरण करने का जो है ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय को। तो इसी सब बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ उस बैठक में जो है कहा गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं उस वीडियो में क्या कुछ बातें हैं। हालांकि हमने एक अपने चैनल पे एक नया कंटेंट आप लोगों को देने का काम किया है, जिसमें हम जो भी घटनाएं मध्य प्रदेश में नर्सिंग से रिलेटेड होता है तो हम उसे मध्य प्रदेश नर्सिंग समाचार के रूप में एक कंटेंट, एक वीडियो जो है, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा न्यूज़ आता है तो हम आपको देने का काम करेंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या फिर किसी प्रकार का नोटिस नर्सिंग से रिलेटेड आप लोगों मेरे पास आता है तो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। आप यहाँ पे देखिए, आपने शायद ये देखा होगा, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स इस साल का सत्र जो है 0 हो सकता है। ठीक है, 23-24 याद रखिए, तो इसमें GNM और NM नहीं है। ठीक है, GNM NM वाले क्या करें वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो पर बने रहें। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है लिखा हुआ कि मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर में शुक्रवार को हुई कार्य परिषद की बैठक में फैसला हुआ कि सत्र 0 करने के पीछे जो है काम किया गया है। ठीक है, सत्र 0 करने का अनुमोदन प्रस्ताव जो है शासन को भेजा जाएगा, जो चिकित्सा शिक्षा शासन है उसे भेजा जाएगा, ताकि जो 23-24 सत्र है उसे 0 किया जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, ये भी पेपर का कटिंग है जो कि June 17 का है। देखिए, MU कार्य परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय, ठीक है, 23-24 को 0 करने की तैयारी। ठीक है, इसके पीछे 0 करने का जो एक इसका तर्क है जबलपुर यूनिवर्सिटी का, वो है कि INC के एक नियम के अनुसार BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, ठीक है, या पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स हैं जिसमें एक्सरे, OT, ECG वगैरह आते हैं, BPT आते हैं, ठीक है, तो उन सब का एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी के द्वारा एक इंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, एक इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है लिया जाना अनिवार्य है। वो इंट्रेंस एग्ज़ाम हर एक यूनिवर्सिटी को बोला गया था INC के द्वारा कि आप 15 जून से पहले पहले इनको करवा लें इंट्रेंस एग्ज़ाम, लेकिन MU क्या किया, मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी प्रकार का कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया गया। ठीक है, तो INC ने इन्हें एडमिशन लेने से मना कर दिया कि आप जो है 23-24 के लिए एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया। ठीक है, आप सोचिए कि इनके जो पदाधिकारी हैं कितने केयरलेस हैं, कि जिम्मेदारहीन आदमी हैं ये लोग, कि जो नियम है वो नियम को ये फॉलो नहीं कर पाते, इसीलिए कोर्ट शायद इन्हें जो है एक बिगड़ा हुआ घोड़ा कह लीजिए, जो कमेंट करते हैं हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है, बिना लगाम का घोड़ा इस तरह से कमेंट करते हैं, इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है इनके पदाधिकारी। आप आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BSc नर्सिंग प्रवेश देने में 15 तक नहीं करा सके इंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, GNM के नामांकन पर भी रोक, ये आपने शायद पिछले वीडियो में देखा होगा। ठीक है, तो इंट्रेंस टेस्ट जो लेना था वो नहीं ले पाए, तो भाई आप कर क्या रहे हो यूनिवर्सिटी में बैठ के, 1.5-2 लाख, 2-2 लाख सैलरी है इन पदाधिकारियों का, कुल सचिव का, कर क्या रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। 2020 से आप एग्ज़ाम नहीं करवा पाए हैं, जैसे तैसे कॉलेज को आप मान्यता दे रहे हैं, तभी तो ये नौबत आई है आज कि CBI तक जो है कॉलेज के ऊपर लगे हुए हैं, हाईकोर्ट को खुद से संज्ञान लेना पड़ा है, इतना बड़ा स्कैम है ये। अब यहाँ पे देखिए, जिम्मेदारों का जवाब पढ़ लीजिए एक बार,
यहाँ पे देखिए INC के एंट्रेंस जो है अनिवार्य किया है, पर इसे आयोजित करने का तरीका तारीख जो है बीत चुका है। क्यों बीत चुका है, क्या कर रहे थे आप इतने दिन से? एंट्रेंस टेस्ट कराने के लिए कॉलेज को संबद्धता जारी करने और सीट की स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय चाहिए। अभी तक ये ना एफिलेशन दिए हैं ना स्थिति स्पष्ट हुआ है, यही कारण है विश्वविद्यालय स्तर पर 23-24 परीक्षा को जीरो ईयर घोषित किया गया। जीरो ईयर घोषित कर देगा तो इनको, इनके पास कोई काम नहीं है, फिर बैठे रहेंगे। 2020 से तो बैठे ही हैं, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रार हैं आपके यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पे देखिए जो MP नर्सिंग काउंसिल के जो प्रशासक हैं वो क्या कह रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, इसके चलते GNM सत्र 2022-23 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के नामांकन स्थगित किए गए हैं। वही सत्र 23-24 में GNM प्रवेश होंगे या नहीं होंगे ये कोर्ट पर निर्भर करता है। 22-23 में भी एडमिशन लेने से रोक दिया है, 23-24 की तो बात ही अभी नहीं हो रही है, कोर्ट क्या कहता है वो कोर्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं नीचे, ये DME है, देखिए BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में 23-24 तहत एडमिशन होंगे या नहीं इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उच्च अधिकारियों की चर्चा संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। उच्च अधिकारी कौन है, अभी तक निर्णय ही ले लिया पा रहे हैं ये लोग, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब यही सब कारण है, अब इसके पीछे वही कारण है भाई, आप 2020 से जो है एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं, 2020 का पहला हो गया, 21 से 22 दूसरा हो गया, 22 से 23 तीसरा हो गया, तीन तीन बैच पे कोई काम नहीं हुआ है, ना एनरोलमेंट हुआ है ना कुछ हुआ है, यहाँ तक कि 20-21 और 21-22 22-23 का तो एफिलेशन लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, इतने बदतर हालात हैं MP में नर्सिंग का। और उन छात्रों को हम कह देना चाहते हैं जो लोभ में आकर के कम फीस के कारण आप MP में एडमिशन ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लें, अगर 1 लाख में भी कोई करने के लिए तैयार है तो वहाँ भी मत लें, इससे अच्छा आप किसी दूसरे राज्य में जाएं जहाँ आपको ये सब का टेंशन तो नहीं रहेगा कि CBI कॉलेज का रद्द करेगा मान्यता की रहने देगा, ठीक है। अब आगे देखिए सत्र जीरो फिर भी जो है नर्सिंग कॉलेज एडमिशन दे रहा है, अब ये एडमिशन ले कौन जा रहा है इनके पास, तो दलाल ले जा रहे हैं जो बीच वाले मीडिएटर हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे लड़कों के फ़ोन आते हैं, बताइए कि कॉलेज का फीस 1,80,000 है और 3,25,000 में एडमिशन हुआ है MP में 21-22 सेशन में, 22-23 सेशन में, समझ रहे हैं आप, 1,00,000 रुपया एक स्टूडेंट से खा रहे हैं ये बीच वाले लोग, इतने मतलब कुछ कह ही नहीं सकते कितने ये लोग हैं ऐसे वाले। आप आगे देखिए ये जो बैठक हुआ था उसके आप देख लीजिए, ये लोग मेंबर हैं, ठीक है, 16-6 को बैठक हुआ था, कुलपति हैं, प्रतिनिधि हैं, संकायाध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कुल सचिव हैं और माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा जो है निर्देशित है, सारे इसमें बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप, नर्सिंग संकाय के, होम्योपैथी संकाय के, पैरामेडिकल संकाय के, सारे लोग जो है 11 लोग बैठे हैं और उन्होंने निर्णय लिया, इतने इतने लोग हैं काम करने के लिए, निर्णय लिया गया कि एग्ज़ाम जो है हम लोग शून्य रखेंगे इस बार सत्र, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, INC नई दिल्ली के नोटिफिकेशन पत्र पर BSc नर्सिंग 23-24 की परीक्षा विचार हेतु प्रस्तुत, ठीक है, 22-23 हेतु परीक्षा लिया जाना संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि पिछले से 3 सेशन जो है बाकी है अभी आपका, इसीलिए चौथा भी ये हेडेक नहीं लेना चाहता, तो 24-25 INC के तहत लिया जाएगा, तो 24-25 तो 24-25 अगले साल आएगा। निर्णय देखिए क्या हुआ है, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों संकाय में सत्र 23-24 को शून्य घोषित करने की अनुशंसा की गई, बिल्कुल 23-24 को जो है शून्य कर देना और 24-25 को जो है नियम के अनुसार एडमिशन लेना, समझ रहे हैं, इतना तक ये लोग किए हैं। उसके बाद देखिए एक रवि परमार हैं जो कि वहाँ के छात्र नेता हैं मेडिकल विंग के, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, उस पत्र में कहा है कि जो है इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें, नर्सिंग के सत्र 23-24 को शून्य ईयर करना सरकार की विफलता है, छात्र अन्य राज्यों में पलायन करेंगे, ठीक है। उन्होंने जो है एक, जब प्रधानमंत्री अभी भोपाल के दौरे पे थे तो उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि जो नर्सिंग घोटाले हो रहे हैं भोपाल में MP में उस पर आप जो है थोड़ा संज्ञान लें, उनके जो प्रधानमंत्री कार्यालय के जो लोग हैं उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया था, ठीक है। और मेन इसमें क्या मुद्दा है ना कि इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, जो MP के सरकार हैं, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जल्दी करना है, छात्र के हित में है, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि देखिए 23-24 सत्र के जीरो ईयर घोषित ना किया जाए, ये मांग किया गया है, और मांग किया गया है ये वाकई में जो मांग है ये छात्र के हित में है, अगर जीरो सत्र किया जाता है तो उस सत्र में एडमिशन नहीं होंगे, सत्र जीरो करने का यही मतलब है कि उस सत्र में किसी भी प्रकार का कुछ काम नहीं होगा, ना छात्र का एडमिशन होगा, ना कॉलेज का एफिलेशन होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इन सब के बीच जो GNM वाले हैं
ठीक है, उनको हम एक बात कहना चाह रहे हैं, जो जीएनएम है और जो एएनएम है एमपी से, ठीक है, इनका जो मान्यता का काम होता है, इनका एफिलिएशन का काम होता है, इनका रजिस्ट्रेशन का काम होता है, इनका एनरोलमेंट का काम होता है, वो एमपी नर्सिंग काउंसिल के द्वारा होता है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ जो पीजी कोर्सेज हैं, यूजी कोर्सेज हैं, उसमें होते हैं, जबकि जो डिप्लोमा यानी जीएनएम एएनएम है ये एमपी एनआरसी के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, तो जो 22 23 में एडमिशन ले चुके हैं एमपी में, ठीक है, तो वो अब किसी प्रकार का कोई अमाउंट जो है कोई मनी कॉलेज को ना दें और इंतजार करें हाईकोर्ट के निर्णय का, तभी आप उनको किसी प्रकार का कोई पैसा दें। ठीक है, अगर आपने पैसा नहीं दिया है, एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी रुक जाइए, एडमिशन मत लीजिए एमपी में, आप किसी दूसरे स्टेट चले जाइए। ठीक है, लुभावने वादे बहुत से कॉलेज करते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है, किस कॉलेज का मान्यता रहेगा किसका नहीं रहेगा ये कहना मुश्किल है, इसीलिए आप लोग झांसे में ना आए। ठीक है, तो जीएनएम एएनएम का जो सत्र है एमपी में वो थोड़ा सा डिले है, ज़्यादा डिले नहीं है, अगर जो काउंसिल चाहे तो जल्दी से जल्दी सत्र को मेंटेन किया जा सकता है। आपने देखा है कि जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो एग्जाम हुआ है उस पर भी रोक लगा दिया गया उसके रिजल्ट पे। ठीक है, तो वहाँ का जो स्थिति है नर्सिंग का बहुत ही भयानक है, इसीलिए आप किसी पर विश्वास ना करें जो एमपी में एडमिशन दिलवा रहे हैं आपको। ठीक है, और किसी प्रकार का आपके पास डाउट है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जल्द अच्छे से जो है आपको हम समझा पाएँ। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो में यहीं तक था, बाकी कुछ भी अपडेट आता है एमपी से नर्सिंग से रिलेटेड तो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी भी प्रकार का नर्सिंग से जानकारी चाहिए आपको नर्सिंग से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नर्सिंग के बारे में नई नई जानकारियाँ मिल सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।